सी आई टी एन सीई आर टी प्रेजेंट्स डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर स्कूल्स ट्राई लिंगल अर्थशास्त्र का शब्द कोश विद्यालयों के लिए त्रिभाषी माशियात की लुगत स्कूलों के लिए सहलसानी इंडेक्स ओ ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर पेज नाइन्टी टू Official Reserve Transaction. Page 92. OGIVE. Page 92. Oligopoly. Page 94. Open Market Operations. Page 94. Operating Surplus. Page 94. Ordinal Utility. Page 95. Organic Waste. Page 95. Outlier. Page 95. Output. Page 95. Output method. Page 95. Output multiplier. Page 95. Outsourcing. Page 96. Overdraft. Page 97. Overhead capital. Page 97. Overvaluation of currency. Page 97. Let's begin with alphabet O. Page 92. Occupational structure. Distribution of the workforce according to different occupations, that is, primary, secondary, and tertiary activities. Agriculture, animal husbandry, forestry, fishery, etc., are collectively known as primary activities. Manufacturing and industries are known as secondary activities. Transport, communications, banking services etc are called tertiary activities the occupational structure of an economy is closely associated with the development level it has been observed historically that as the economy develops its occupational structure shifts from primary to secondary and tertiary activities Vyav विभिन्न व्यवसायों जैसे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों के अनुसार श्रम बल का वितरण कृषि पशुपालन वानिकी मत्स्य उद्योग इत्यादि सामूहिक रूप से प्राथमिक गतिविधियाँ कहलाती हैं विनिर्माण और उद्योग द्वितीयक गतिविधियाँ कहलाती हैं परिवहन संचार बैंक सेवाएं इत्यादि तृतीयक गतिविधियाँ कहलाती हैं किसी अर्थव्यवस्था की व्यावसायिक संरचना तथा विकास स्तर में निकट संबंध होता है ऐतिहासिक रूप से ये देखा गया है कि अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकसित होती है उसकी व्यावसायिक संरचना प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों की ओर स्थानांतरित होती चली जाती है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पेशावराना ढांचा मुख्तलिफ पेशों जैसे प्राइमरी सानवी और सालसी सरगर्मियों के मुताबिक कवतकारी तकसीम जरात मवेशी पालन जंगल बानी मछली पालन वगैरह मज़मूई तौर पर इब्तदाई सरगर्मियाँ कहलाती हैं मैन्युफैक्चरिंग और सनाते सरगर्मियाँ कहलाती हैं जबकि ट्रांसपोर्ट मवासलत या यह रसाइल, बैंक खिदमत वग़ैरह सालसी सरगर्मियां कहलाती हैं किसी मीशत का पेशावराना ढांचा और उसकी तरक्की की सतह में बहुत करीबी ताल्लुक़ होता है तारीख़ी तौर पर यह देखा गया है कि मीशत जैसे जैसे तरक्की करती है उसका पेशावराना ढांचा इब्तदाई सानवी और सालसी सरगर्मियों की तरफ मुंतकिल होता चला जाता है Official Reserve Transaction refers to change in foreign exchange reserves by a central bank in order to maintain fixed exchange rates. Under fixed exchange rate system, a deficit in balance of payments is met by supply of foreign exchange reserves by the central bank, running down reserves, and a surplus in balance of payments. Is met by absorption of foreign exchange reserves by the central bank. The decrease, increase in official reserves reflects the overall balance of payments deficit, surplus. Official reserves transactions are examples of accommodating transactions. See also balance of payment, accommodating transactions, fixed exchange rate. एंड पैक्ट एक्सचेंज रेट सरकारी आरक्षित सौदे, इनसे अभिप्राय स्थिर विनिमय दर को बनाए रखने के लिए एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय भंडारों में किया गया परिवर्तन है स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत भुगतान संतुलन में घाटे को केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय कोषों की पूर्ति के द्वारा पूरा किया जाता है तथा भुगतान संतुलन के अधिशेष को केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय कोषों को अवशोषित करके निपटाया जाता है सरकारी आरक्षित निधि में कमी वृद्धि भुगतान शेष के समग्र घाटे अधिशेष को दर्शाती है सरकारी आरक्षित सौदे निभाव सौदों का उदाहरण है सरकारी रिजर्व सूदे एक मुकर्र शरह मुबादला को बरकरार रखने के लिए मरकजी बैंक बैरूनी मुबादला रिजर्व में तब्दीली लाता है एक मुकर्र शरह मुतबाद सिस्टम के तहत तोजुन अदायगी के खिसारे को मरकजी बैंक बैरूनी मुबादला रिजर्व के जरिए पूरा करता है यानी असासी तखफीफ पजीर हो जाते हैं और तोजुन अदायगी का इजाफा मरकजी बैंक जज्ब कर लेता है सरकारी रिजर्व में ज्यादती या कमी मजमू तोजुनी अदायगी की कमी या ज्यादती को दिखाती है सरकारी रिजर्व सूदे दरअसल सूदों की हम आहंगी का दूसरा नाम है नेज देखिए अदायगी तोजुन हम आहंग सूदे शरह मुबादलाइव Graphical representation of cumulative frequency distribution of a continuous variable. It is also called cumulative frequency curve. Cumulative distributions can be constructed by summing from the top or from the bottom. In case we sum from the lowest values of the variable, the class upper limits become the relevant values. For the cumulative distribution, this is called the less than cumulative frequency. Marks of 10th class, number of students, marks of 10th class less than, less than cumulative frequency. First, 0 to 20, number of students 6. Having less than 20 marks, less than cumulative frequency is 6. Marks obtained from 20 to 40. Number of students 5. Marks less than 40. Less than cumulative frequency is 6 plus 5, which is equal to 11. Marks from 40 to 60. Number of students 33. Marks less than 60. 11 plus 33 is equal to 44. Which is equal to the less than cumulative frequency. Marks obtained from 60 to 80. Number of students having these marks are 14. Marks less than 80. Less than cumulative frequency is 44 plus 14, which is equal to 58. Marks obtained from 80 to 100. Number of students having those marks. Are 6. Marks less than 100, less than cumulative frequency is 58 plus 6, which is equal to 64. The cumulative frequency value of x is equal to 60 is 44, which says that 44 students obtained marks less than 60. In the case of more than cumulative frequency, Summing is done from the highest values. Here, the relevant values for the variable become the lower limits of each class. Marks of class 10th, x, number of students, marks more than, and more than cumulative frequency, which is shown in the form of a table. First, 0 to 20 marks, number of students 6. Marks more than zero. More than cumulative frequency is 58 plus 6, which is equal to 64. Marks from 20 to 40. Number of students having those marks are 5. Marks more than 20. More than cumulative frequency is 53 plus 5, which is equal to 58. Marks from 40 to 60. Number of students 33. Marks more than 40. More than cumulative frequency is 20 plus 33, which is equal to 53. Marks obtained between 60 to 80. Number of students having those marks are 14. Marks more than 60. More than cumulative frequency is 6 plus 14, that is equal to 20. Marks obtained between 80 to 100. Number of students having those marks are 6. Marks more than 80, more than cumulative frequency is 6 equal to 6. The cumulative frequency value for x is equal to 40 says that 53 students obtained marks more than 40 while drawing an ogive cumulative frequencies are plotted along y-axis and class limits of the frequency distribution on the x-axis upper limits for the less than ogive and lower limits for the more than ogive are taken more often the plotted points are connected by a smooth curve their intersection point gives the value of the median. The less than cumulative frequency and its ogive are the basis for derivation of percentiles, deciles, and quantiles. Here is the table showing you the frequency distribution. Page 93 Chap Vikarn. एक सतत चर के संचयी बारंबारता बंटन का आलेखन या ग्राफिक प्रस्तुतिकरण ये संचयी बारंबारता वक्र भी कहलाता है संचयी वितरण का निर्माण आरंभ से या अंत से जोड़े जाने के द्वारा किया जा सकता है यदि हम चर के निम्नतम मान से जोड़ना आरंभ करते हैं तो वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमाएँ संचयी आवृत्ति के लिए प्रासंगिक मान बन जाती है इसे कम संचयी आवृत्ति कहा जाता है इस टेबल में देखिए अंक विद्यार्थियों की संख्या अंक संचयी बारम्बारता से कम पहला शून्य से बीस तक विद्यार्थियों की संख्या है छ अंक बीस और संचयी बारंबारता से कम यानी कि छ दूसरा जब अंक बीस से चालीस हैं तो विद्यार्थियों की संख्या पांच है अंक चालीस और संचय बारंबारता से कम छ जमा पांच बराबर ग्यारह ऐसे ही जब अंक हैं चालीस से साठ तब विद्यार्थियों की संख्या तैतीस है अंक है साठ संचय बारंबारता से कम ग्यारह जमा तैतीस बराबर चौवालीस जब अंक हैं साठ से अस्सी के बीच में तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है चौदह अंक अस्सी संचयी बारंबारता से कम चौवालीस जमा चौदह बराबर अट्ठावन जब अंक हैं अस्सी से सौ के बीच में तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है छ अंक सौ संचयी बारंबारता से कम यानी कि अठावन जमा 64 है यहाँ x बराबर साठ का संचयी आवृत्ति मान 44 है जिसका अर्थ है कि चवालीस विद्यार्थियों ने साठ से कम अंक प्राप्त किए हैं से अधिक संचयी आवृत्ति की स्थिति में उच्चतम मान से जोड़ना आरंभ किया जाता है यहाँ प्रत्येक वर्ग की निचली सीमाएं ही चर के प्रासंगिक मान बन जाती हैं अंक x विद्यार्थियों की संख्या अंक x संचयी बारंबारता से अधिक पहला शून्य से बीस तक विद्यार्थियों की संख्या है छ अंक शून्य है और संचयी बारंबारता से अधिक यानी कि अठावन जमा 6। बराबर 64 है दूसरा जब अंक बीस से चालीस हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या पांच है अंक बीस संचयी बारंबारता से अधिक तिरपन जमा पांच बराबर अट्ठावन ऐसे ही जब अंक हैं चालीस से साठ तब विद्यार्थियों की संख्या तैतीस है अंक चालीस संचयी बारंबारता से अधिक बीस जमा तैतीस बराबर तेरेपन जब अंक हैं साठ से अस्सी के बीच में तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है 14। अंक है साठ संचयी बारंबारता से अधिक छ जमा 14 बराबर बीस जब अंक हैं अस्सी से सौ के बीच में तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है छ अंक अस्सी संचयी बारंबारता से अधिक छ बराबर छ यहाँ x बराबर चालीस का संचयी आवृत्ति मान ये दर्शाता है कि तिरपन विद्यार्थियों ने चालीस से अधिक अंक प्राप्त किए हैं एक चाप विकर्ण बनाते समय संचयी आवृत्ति का प्रांकण y अक्ष तथा आवृत्ति वितरण की वर्ग सीमाओं का प्रांकन एक्स अक्ष पर किया जाता है से कम चाप विकर्ण के लिए ऊपरी सीमाएं तथा से अधिक चाप विकर्ण के लिए निचले सीमाएं ली जाती हैं अक्सर प्रांकित बिंदुओं को एक निष्कोण वक्र के द्वारा संयोजित किया जाता है या जोड़ा जाता है इनका प्रतिच्छेदन बिंदु माध्या का मान देता है से कम संचयी आवृत्ति तथा चाप विकर्ण शतमक दशमक तथा चतुर्थक की व्युत्पत्ति का आधार है ओ जाइव एक मुसलसल मुतहिरा के मजमू ताददी तकसीम की खाकाई नुमाइंदगी इसको मजमू तादी खमीदा भी कहा जाता है मजमू तकसीम को सबसे ज्यादा या सबसे कम कदरों की तरफ से जोड़कर बनाया जाता है अगर हम मुतगेरा की सबसे कम कदर से जोड़ते हैं तो क्लास की ऊपरी जद मजमुई तकसीम के लिए मुनासिब होती है इसको से कम मजमू तादद कहा जाता है मार्क्स एक्स सिफर से बीस बीस से चालीस चालीस से साठ साठ से अस्सी अस्सी से सौ स्टूडेंट्स की तादाद छ पांच तैतीस चौदह छ मार्क्स कम है बीस से चालीस से साठ से अस्सी से सौ से लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी छ छ जमा पांच बराबर ग्यारह ग्यारह जमा तैतीस बराबर चवालीस चवालीस जमा चौदह बराबर अट्ठावन अट्ठावन जमा छः बराबर चौसठ, एक्स बराबर साठ की मजमू तादादी कदर चवालीस है इसका मतलब है कि चवालीस तलबा ने साठ से कम नंबर हासिल किया से ज्यादा मजमू तादद की सूरत में सबसे ऊंची कदर से जोड़ा जाता है यहाँ हर क्लास में निचली हद का शुमार किया जाता है एक्स बराबर चालीस की मजमू तादी कद्र तिरपन है इसका मतलब है कि तिरपन तलबा ने चालीस से ज्यादा नंबर हासिल किए ओ जाइव बनाते वक्त मजमुई तादद को वाई महवर पर प्लॉट किया जाता है और क्लास हदूद को एक्स महवर पर निशान निशानजद किया जाता है ऊपरी हदूद को ओ जाइव से कम और निचली हदूद को ओ जाइाइव से ज्यादा पर लिया जाता है अक्सर नुकात को मिलाकर एक हमवार खत बना लिया जाता है इनका नुकता तकाता कदर वस्ता बताता है से कम मजमुई तादद और उसका ओ जाइव से सैकड़ा अशरा और चौथाई की तखरीज की जाती है पेज नाइन्टी फोर अ मार्केट इन विच देर आर मोर देन वन सेलर But the number of buyers is large. The firms may be producing a homogeneous product or a differentiated product. In choosing its output or price under oligopoly conditions, a particular firm has to take into account what the other firms are choosing and how they may react to its choices. The output decisions of any one firm. Would affect the market price and the amount sold by the other firms, as also their total revenues. The special case of oligopoly, where there are exactly two sellers, is termed as duopoly. Al Padhikar, ek bazar jisme kuch hi do ya adik firmey hoti hai. Ye firm ya utpad. अथवा विभेदित उत्पाद का उत्पादन कर सकती हैं अल्पाधिकार परिस्थितियों में अपने उत्पादन या कीमत का चयन करने में किसी फर्म को ये ध्यान रखना पड़ता है कि दूसरी फर्में क्या चयन कर रही हैं और वे किस प्रकार उसके विकल्पों के प्रति प्रतिक्रिया कर सकती हैं किसी फर्म के उत्पादन के निर्णय बाजार कीमत और अन्य फर्मों द्वारा विक्रय की मात्रा तथा उनकी कुल आय को प्रभावित कर सकते हैं अल्पाधिकार के विशेष स्थिति जहाँ दो ही विक्रेता हों दि अधिकार कहलाती है कसीर इजारादारी, वो बाजार जिसमें एक कंपनी से ज्यादा कंपनियाँ होती हैं लेकिन कंपनियों की तादाद चंद ही होती है ये कंपनियाँ एक की किस्म की अशिया या मुख्तलिफ किस्म की डिफ्रेंशिएटेड अशिया की पैदावार करती है कसीर इजारा दाराना सूरत में अपनी पैदावार या कीमत के इंतखब में किसी कंपनी को यह ध्यान रखना पड़ता है कि वो दूसरी कंपनियां किस पैदावार या कीमत का इंतखब कर रही हैं और वो किस तरह उसके मुतबादों के मामले में रद्द अमल का इजहार करेंगी किसी एक कंपनी के पैदावार के मामले में फैसले बाजार कीमत और दीगर कंपनियों के जरिए फरोख्त की मिकदार के साथ साथ कुल आमदनी को भी मुतासर कर सकते हैं कसीर इजारादारी की खसूसी हालत वो है जहाँ दो ही कंपनियां हों और ये दो जारादारी यानी डुपुली कहलाती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक आर बी आई इनकेस ऑफ इंडिया To the public open market open market operation omo is a major instrument adopted by central banks to change money supply in an economy this can be understood with an example suppose lata buys securities worth rupees 100 being sold by rbi lata pays for the same by depositing money in a commercial bank this bank in turn pays the rbi by reducing its own reserves with rbi a similar reduction of reserves by commercial banks reduces money supply thus sale of securities by central bank reduces reserves of commercial banks and conversely the purchase of securities by central bank increases the reserves of commercial banks. This in turn affects the capacity of commercial banks to create credit. Hence, OMO is a major instrument adopted by central banks. Kula Bazar bazar Kollebaza janata Janatasi, Keindri Bank, Bharatni RBI Dwara. सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री खुले बाजार की कार्यवाइयाँ अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाया गया एक मुख्य उपकरण है इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है मान लीजिए लता रिज़र्व बैंक आरबीआई द्वारा बेची गई एक सौ रूपये की प्रति भूतियों को क्रय करती है लता इसके लिए एक वाणिज्यिक बैंक में धन जमा करके भुगतान करती है ये बैंक RBI के पास रखे गए अपने कोषों में कमी करके आर को भुगतान करता है वाणिज्यिक बैंकों के कोषों में से ऐसी कमी मुद्रा की पूर्ति को कम कर देती है इस प्रकार केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री से वाणिज्यिक बैंकों के कोष घट जाते हैं तथा इसके विपरीत केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद से वाणिज्यिक बैंकों के कोष बढ़ जाते हैं इसके फलस्वरूप बैंकों की साख निर्माण की क्षमता प्रभावित होती है अतः खुले बाज़ार की कार्रवाइयाँ केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाया गया एक मुख्य उपकरण है खुला बाजार कार्रवाइयां खुले बाजार में मरकजी बैंक हिंदुस्तान के लिहाज से आर के जरिए सरकारी सिक्योरिटीज की फरोख्त की जाती है खुले बाजार की कार्रवाइयां मरकजी बैंकों के जरिए मीशत में जर की दस्तियाबी में तब्दीली का अहम जरिया है इसको एक मिसाल से समझाया जा सकता है मान लीजिए लता आरबीआई के जरिए फरोख्त की जाने वाली सौ रुपए की सिक्योरिटीज खरीदती है लता उसके लिए सौ रुपए कमर्शियल बैंक में जमा कर देती है ये बैंक आरबीआई को अदा करता है और इस तरह सौ रुपए भर का आरबीआई में महफूज फंड कम कर देता है इस तरह कमर्शियल बैंक के महफूज फंड की कमी जर की दस्तियाबी में कमी ले आती है इसके बरक्स सिक्योरिटीज की खरीदारी फंड में इजाफे का बास बनती है इससे उन कमर्शियल बैंकों की साख कायम रखने की सलाहियत पर असर पड़ता है ये जरी पॉलिसी के खास जराए में से एक है ऑपरेटिंग सरप्लस दिस कंसिस्ट ऑफ रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फॉर एनी फर्म इट्स वैल्यू एडेड that is value of output less value of intermediate goods is used to pay different factors of production factor payments comprise of payment to labor compensation of employees payment for land rent payment for capital interest and profits rent interest and profits are clubbed together एंड कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस दस ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पन लेस कॉम्पन्सेशन ऑफ इम्प्लॉज प्रचालन अधिशेष इसमें किराया ब्याज और लाभ सम्मिलित हैं किसी भी फर्म के लिए इसके मूल्य वृद्धि उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाकर उत्पादन के साधनों को किए गए भुगतानों में श्रमिकों को किए गए भुगतान कर्मचारियों का पारिश्रमिक या मुआवजा भूमि के लिए किए गए भुगतान लगान पूंजी के लिए किए गए भुगतान ब्याज तथा लाभ सम्मिलित हैं लगान ब्याज तथा लाभ को जोड़ दिया जाता है जिसे प्रचालन अधिशेष कहा जाता है अतः प्रचालन अधिशेष बराबर उत्पादन का मूल्य घटा मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य घटा कर्मचारियों का मुआवजा ऑपरेटिंग सरप्लस इसका ताल्लुक किराया सूद और मुनाफे से है किसी फर्म की कदर इजाफी पैदावार को यानी पैदावार की वो कदर जो दरमियानी अशिया की कदर को घटाकर हासिल की जाती है मुख्तलिफ पैदावार के अवामिल की अदायगी में इस्तेमाल किया जाता है अवामिल की अदायगी में मेहनत कशों की उजरत ज़मीन के इस्तेमाल की कीमत बतौर किराया सरमाया लगाने की कीमत बतौर सूद सरमायादारों का मुनाफा शामिल होता है किराया सूद मुनाफे को जोड़कर ऑपरेटिंग सरप्लस कहा जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस बराबर पैदावार की कदर घटा दरमियानी सर्फ की कदर घटा कामगारों का मुआवजा पेज नाइन्टी फाइव ऑर्डिनल यूटिलिटी अ मेज़र ऑफ रेलेटिव रैंकिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन और यूटिलिटी विच अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम डिफरेंट कंज़म्पशन बंडल्स अनलाइक कार्डिनल यूटिलिटी हियर द मैग्निट्यूड ऑफ सैटिस्फैक्शन derived from a consumption bundle is not important only the ranking is important in terms of which bundle gives more satisfaction and which gives less satisfaction see also cardinal utility kram suchak upyogita Upbhogta dwara vibhin upbhog sanyojano se prapt ki gayi santushti ya upyogita ke सापेक्षिक श्रेणीकरण का एक माप गणनावाचक उपयोगिता के विपरीत यहाँ किसी उपभोग संयोजन से प्राप्त की गई संतुष्टि की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है केवल कौन सा संयोजन अधिक संतुष्टि प्रदान करता है व कौन सा संयोजन कम संतुष्टि प्रदान करता है के संदर्भ में उन संयोजनों का श्रेणीकरण महत्वपूर्ण है देखें गणना वाचक उपयोगिता अफादियत, तौसीफी कद्र, सारिफ की तस्कीन का वो पैमाना जहां अशिया के तरजीही मजमू की दर्ज़ाबंदी की सूरत कदरों का तयन किया जाता है बुनियादी कद्र यानी कार्डिनल यूटिलिटी के बरक्स ये दो सरफी बंडलों के दरमियान अफ़ादियत में किया फर्क है यहाँ मुख्तलि सर्फी बंडलों की दर्जाबंदी की जाती है अशिया के बंडलों को ब लिहाज कदर तरतीब में लाने पर जोर देने के सबब उसकी अफादियत को ऑर्डिनल या तोसीफी कदर कहा जाता है नेज देखिए कार्डिनल अफादियत ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लांट्स, फूड और एनी अदर ऑर्गेनिक सोर्स दैट डिकम्पोज इज नेचुरली विदाउट कॉजिंग डैमेज और टॉक्सिक इफेक्ट और अदर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन जैविक अपशिष्ट जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जो पौधों खाद्य या किसी अन्य जैविक स्त्रोत से उत्पन्न होता है और जो क्षति या विशैले प्रभाव या अन्य प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न किए बिना प्राकृतिक रूप से अपघटित होता है केमियाई फजला हयातियाती तौर पर तज़ज़ुल पजीर कचरा जो पौधों गजा या दीगर केमियाई वसीले से पैदा होता है और जो किसी नुकसान दे या जहरीले असर या कोई दीगर आलूदगी पैदा किए बगैर तबी तौर पर गल या सड़ जाता है आउटलेयर एन एंट्री इन सेट ऑफ डेटा विच लाइज अ लॉन्ग वे ऑफ from any pattern apparent in the rest of data set. The presence of outlier suggests two possibilities which warrant further investigation. One is the possibility of occurrence of something unusual and the other is the possibility of the occurrence of a mistake in recording the data. Bahirvasi, Akano ke ek set mein pravishti जो आंकड़ों के सेट में उपस्थित आंकड़ों के किसी भी दृश्य पैटर्न से बहुत भिन्न होती है बहिर्वासी की उपस्थिति दो संभावनाएं प्रकट करती है जो आगे के अन्वेषण का आधार बनती है एक संभावना कुछ असामान्य घटित होने की और दूसरी आंकड़ों के अभिलेखन में त्रुटि होने की है खारिज एदाद और शुमार के सेट में इंदिराज जो बाकी डेटा सेट में मौजूद किसी भी वाज पैटर्न से बहुत मुख्तलिफ होता है खारिज की मौजूदगी दो इम्कान को जाहिर करती है जो मजीद तलाश और जस्तजू का तकाजा करती है एक अमकान तो किसी गैरमूली बात का वाक़ होना है और दूसरा इमकान डेटा की रिकॉर्डिंग में गलती होने का है आउटपुट रिजल्ट वेर इनपुट्स लाइक लैंड लेबर कैपिटल आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर सेल और सेल्फ यूज सी ऑल्सो टोटल प्रोडक्ट उत्पादन किसी प्रक्रम का परिणाम जहां भूमि श्रम पूंजी जैसी आदतों को मिलाकर एक उत्पाद तैयार करते हैं जो बिक्री अथवा स्व उपयोग के लिए उपलब्ध होता है देखें कुल उत्पाद मा हसल किसी अमल का नतीजा जहां जमीन मेहनत और सरमाया जैसे मादखल को मिलाकर एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जो फरोख्त या जाति इस्तेमाल के लिए दस्तियाब होता है नेज देखिए कुल प्रोडक्ट आउटपुट मेथड This is one of the methods of calculation of national income, also known as product method or value added method. This method focuses on national income from the side of production. An economy is divided into various sectors. The sectors are divided into sub sectors, and further division is done up to the level of production unit. For each production unit, value added is calculated by subtracting the value of intermediate goods from the value of its output. The value added thus obtained is added for all production units throughout the economy, which gives us gross domestic product at market prices or GDP MP, which is equal to summation VA. नेशनल इनकम इज डिराइव फ्रॉम जी डी बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पेज 96 उत्पाद विधि ये राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों में से एक है इसे उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि भी कहा जाता है ये विधि राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के दृष्टिकोण से करती है एक अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रकों में बांटा जाता है क्षेत्रकों को उपक्षेत्रकों में वर्गीकृत किया जाता है तथा आगे और वर्गीकरण उत्पादक इकाई तक किया जाता है प्रत्येक उत्पादक इकाई के लिए इसके उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य घटाकर मूल्य वृद्धि की गणना की जाती है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादक इकाइयों के लिए इस प्रकार प्राप्त की गई मूल्य वृद्धि को जोड़ दिया जाता है जिससे बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है यहाँ जी डी पी एम पी बराबर समेशन वी ए राष्ट्रीय आय का निर्धारण जी डी पी एम पी में से मूल ह्रास तथा निवल अप्रत्यक्ष कर घटाकर तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़कर किया जाता है पैदावारी तरीकाकार ये कौमी आमदनी को नापने के तरीकेकारों में से एक है इसको पैदावारी तरीकाकार या कद्र इजाफी तरीकेकार कहा जाता है जहां कौमी आमदनी को पैदावार के रुख से आंका जाता है एक मीशत मुख्तलफ सेक्टर्स में तकसीम होती है जहाँ एक सेक्टर मज़ीद सानवी सेक्टर में तकसीम होता है और फिर पैदावार की इकाइयों के बमोजब उनकी मजीद तकसीम होती है हर पैदावार इकाई कदर इजाफी को मजमू पैदावार कद्र से दरमियानी अशिया की कद्र को घटाकर हासिल की जाती है इस तरह कदर इजाफी मीशियत की आम पैदावारी इकाइयों को जोड़कर हासिल हो जाती है जो हमको बाजार की कीमत पर मजमुई मुल्की पैदावार देती है जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं या मुख्तर जीडीपी कहते हैं जीडीपी एमपी बराबर समेशन वी ए कौमी आमदनी जीडीपी एमपी से घिसावट और खालिज बिलवास्ता टैक्स को निकालकर और बैरूनी अवामिल आमदनियों को शामिल करके हासिल की जाती है आउटपुट मल्टीप्लायर द रेशियो ऑफ द टोटल इंक्रीमेंट इन इक्विलीब्रियम वैल्यू ऑफ आउटपुट टू द इनिशियल इंक्रीमेंट इन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थियोरीज इन विच आउटपुट ऑफ एन इकोनिमी इज डिटर्मिंड बाय एग्रीगेट डिमांड any increase in autonomous expenditure leads to a change in output which is multiple times the change in initial demand this is because initial increase in autonomous expenditure or demand leads to an increase in income which increases consumption and therefore demand increases further the process carries on till overall increase in output Becomes a multiple of initial increase in demand. In the simplest case, output multiplier is equal to delta y divided by delta a, which is equal to 1 divided by 1 minus c, where delta y is change in output, delta a is change in autonomous spending, c is the marginal propensity to consume. उत्पादन गुणक उत्पादन के संतुलन मूल्य में कुल वृद्धि तथा स्वायत्त व्यय में प्रारंभिक वृद्धि का अनुपात आर्थिक सिद्धांत के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन कुल मांग द्वारा निर्धारित होता है स्वायत्त व्यय में होने वाले परिवर्तन के फल स्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है जो आरंभिक मांग में परिवर्तन से बहुगुणित होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वायत्त व्यय या मांग में होने वाली आरंभिक वृद्धि से आय में वृद्धि होती है जिससे उपभोग में वृद्धि होती है तथा इसलिए मांग भी और अधिक बढ़ जाती है ये प्रक्रम तब तक चलता रहता है जब तक उत्पादन में होने वाली कुल वृद्धि मांग में आरंभिक वृद्धि का एक गुणक नहीं बन जाती सरलतम स्थिति में उत्पादन गुणक डेल्टा वाई बटा डेल्टा ए बराबर एक बटा एक घटा सी होता है जहां डेल्टा वाई उत्पादन में परिवर्तन है डेल्टा ए स्वायत्त व्यय में परिवर्तन है और सी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है पैदावार जारिब आउटपुट मल्टीप्लायर अख्तामिया पैदावार की तोज़ुनी क़द्र में मजमू इजाफा और ख़ुद इख्तियारी खर्च के दरमियान तनासब का नाम पैदावार जारिब है माशी नजरियो के बमोजब जहाँ मैशियत की मजमू पैदावार मजमू मांग के बमोजब तय होती है ख़ुद इख्तियारी खर्च में कोई इजाफा पैदावार की सतह में तब्दीली ले आता है जो इब्ताई तलब के बिल मुकाबिल कहीं ज्यादा होता है इसकी वजह यह है कि खुद इख्तियारी खर्च की इब्तदा या बाल्फाज दीगर तलब आमदनी में इजाफे का बास बनती है जो सर्फ यानि कंजम्पशन को बढ़ाती है और फिर नतीजतन मांग बढ़ती है ये सिलसिला जारी रहता है ता वक्त के पैदावार में मजमू इजाफा इब्तदाई मांग में इजाफे से कहीं ज्यादा हो आसान जबान में पैदावारी पैदावार डेल्टा वाई बटा डेल्टा ए बराबर एक बटा एक माइनस सी जहां डेल्टा वाई पैदावार में तब्दीली बतलाता है डेल्टा ए खुद इख्तियारी खर्च में होने वाली तब्दीली है और सी हाशियाई तलबे सर्फ यानी मार्जिनल प्रिपेंसिटी टू कंज्यूम है आउटसोर्सिंग Contracting of a productive activity by one firm to another firm. Outsourcing is adopted to reduce the cost of production. An organization hires out the services earlier provided internally or from within the country, like legal advice, computer service, advertisement security, to external sources. Globalization process and growth of information technology IT, has intensified outsourcing many services such as voice based business processes, for example, BPO, call centers, etc., record keeping, accountancy, banking services, music recording, film editing, book transcription. क्लिनिकल एडवाइस एंड टीचिंग आर बींग आउटसोर्स्ड बाज विद हेल्प ऑफ आई टी इन डिवेलप्ड कंट्रीज टू डिवेलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया पेज नाइन्टी सेवन बहिस्त्रोतन किसी उत्पादन कार्य के लिए एक फर्म का दूसरी फर्म को ठेका देना उत्पादन की लागत कम करने के लिए बहिस्त्रोतन को तो अपनाया जाता है एक संगठन सेवाओं को किराए पर लेता है जो पहले आंतरिक रूप से अथवा देश में बाह्य स्रोतों को उपलब्ध कराई जा रही थी जैसे कानूनी सलाह कंप्यूटर सेवा विज्ञापन सुरक्षा वैश्वीकरण प्रक्रिया और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के विकास ने बहिर््रोतन को बहुत अधिक बढ़ा दिया है बहुत सी सेवाएं जैसे वाणी आधारित व्यावसायिक प्रक्रम जैसे बीपीओ कॉल सेंटर इत्यादि अभिलेख रखना लेखा कार्य बैंक सेवाएं संगीत रिकॉर्ड करना फिल्म संपादन पुस्तक प्रतिलेखन डॉक्टरी सलाह और शिक्षण का कंपनियों द्वारा आईटी की सहायता से विकसित देशों से भारत जैसे विकासशील देश को बहिस्त्रोतन किया जा रहा है कारबरारी किसी पैदावारी सरगर्मी या काम के लिए एक फर्म या दूसरी फर्म को ठेका देना पैदावार की लागत को कम करने के लिए कारबरारी को अपनाया जाता है एक तंजीम ऐसे खिदमत को किराए पर लेती है जो पहले दाखिली तौर पर मुल्क के अंदर बैरूनी जराए को फराहम कराई जा रही थी जैसे कानूनी मशवरे कंप्यूटर सर्विस इश्तहार तफ़ आलमकारी के अमल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कारबरारी को बहुत बढ़ावा दिया है अब कंपनियां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत से खदम जैसे आवाज पर मुबनी कारोबारी अमल मसलन बीपीओ, कॉल सेंटर वगैरह रिकॉर्ड कीपिंग अकाउंटेंसी पैकिंग खिदमत, म्यूजिक रिकॉर्डिंग फिल्म एडिटिंग किताबों की नकल यानी बुक ट्रांसक्रिप्शन क्लिनिकल मशवरे और तदरीस वगैरह की कारबरारी तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में कर रही हैं ओवरड्राफ्ट अफर्सिलिटी गिवन बाई ब्रॉ फ्रॉम करंट अकाउंट To an agreed limit. Security for overdraft is usually financial assets such as shares, debentures, life insurance policies, etc., of the account holder. Overdraft is a temporary facility and the rate of interest charged on the amount of credit is lower than that on cash credit because the risk involved and service cost of such credit. इज लेस एज इट इज ईजियर टू लिक्विडेट फाइनेंशियल एसेट्स रादर देन फिजिकल एसेट्स ओवरड्राफ्ट बैंक द्वारा दी गई सुविधा जिसमें ग्राहक को एक अनुबंधित सीमा तक चालू खाते से अधिक धन निकालने की अनुमति होती है ओवरड्राफ्ट के लिए जमानत सामान्यतः खाताधारी की वित्तीय परिसंपत्ति जैसे शेयर डिबेंचर जीवन बीमा पॉलिसी इत्यादि होती है ओवरड्राफ्ट एक अस्थाई सुविधा है और ऋण की राशि पर ब्याज दर नकदी ऋण की तुलना में कम होती है क्योंकि इस प्रकार के ऋण में शामिल जोखिम और सेवा लागत कम होती है क्योंकि भौतिक परिसंपत्ति की तुलना में वित्तीय संपत्ति को नकदी में बदलना आसान होता है ओवरड्राफ्ट ग्राहक को बैंकिंग के जरिए दी गई सहूलत है जहां एक मुक्रा हद तक चालू खाते से ज्यादा पूंजी निकालने की सहूलत होती है ओवरड्राफ्ट के लिए खातेदार के माली असासे जैसे हसस जिंदगी बीमा पॉलिसी डिपेंचर वगैरह जमानत बनते हैं ओवरड्राफ्ट एक आर्जी सहूलत है जहां कर्ज पर ली जाने वाली रकम पर शराह सूद नकद कर्ज के मुकाबले कम होती है क्योंकि इस किस्म के कर्ज में जोखिम और ख़िदमती लागत कम होती है यहाँ मादी असासों के मुकाबले माली असासों को नकदी में बदलना आसान होता है ओवरहेड कैपिटल इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल कंसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स हाईवे रेल रोड्स कम्यूनिकेश power installations post office and technologies and technical training capacities or facilities social overhead capital consists of schools hospitals libraries and public health measures bandhi punji arthik bandhi punji me aadharit sanrachna atwa pari sampatiyon jese raj marg रेल मार्ग संचार ऊर्जा संस्थापन डाक प्रौद्योगिकी और तकनीकी प्रशिक्षण क्षमताओं अथवा सुविधाओं में निवेश होते हैं सामाजिक बंधी पूंजी में स्कूल अस्पताल पुस्तकालय और जन स्वास्थ्य साधन शामिल हैं कायम सरमाया माशी कायम सरमाए में बुनियादी ढांचे या असासों जैसे शाहरा रेलवे मवासलात, बिजली की तंसीबात, डाक टेक्नोलॉजियों तकनीकी तरबियती सलाहियतों या सहूलियात में सरमाकारी शामिल है समाजी कायम सरमाए में स्कूल अस्पताल लाइब्रेरिया और पब्लिक हेल्थ के इदारे शामिल हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी व्हेन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी रिलेटिव टू अन करेंसी Is more than what is determined by the market price or value, it is supposed to be overvalued. For example, if the market exchange rate is 50, and now if the actual exchange rate is 45, it means rupee is overvalued since less rupees have to be paid for one dollar than the market rate. Currency mudraka adhimulyan. एक स्थिति जहाँ एक करेंसी की दूसरी करेंसी की तुलना में कीमत बाजार द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक होती है इसे अधिमूल्यन कहा जाता है उदाहरण के लिए यदि एक डॉलर की बाजार विनिमय दर पचास रुपए है तथा यदि वास्तविक विनिमय दर पैतालीस रुपए है तो इसका अर्थ है कि रुपए का अधिमूल्यन है क्योंकि डॉलर के लिए बाजार दर से कम रुपयों का भुगतान करना पड़ता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, करेंसी की बेशकदरी ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, जब करेंसी की कदर किसी दूसरी करेंसी की कदर के बामुकाबले बाजार की तयशुदा कीमत से ज्यादा हो तो उसको करेंसी की बेशकदरी कहते हैं मसलन अगर रुपए की हकी शर मुबादला पैंतालीस रुपए फी डॉलर है जबकि बाजार की शरह मुबादला पचास रुपए फी डॉलर है तो रुपए को बेश कदर करेंसी कहा जाएगा क्योंकि एक डॉलर के लिए बाजार दर से कम रुपए का भुगतान करना पड़ता है यू आर जस्ट लिस्निंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन राजेश निमेश सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन डॉक्टर निर्जर रश्मि प्रोजेक्ट एडवाइज डॉक्टर भारती कौशिक Technical Coordination, Batilang Lingdo. Framework Advice, Ajit Horo. Production Coordination, Vandana Arimardhan. Assistance in Production, Amit Kumar. Produced and Directed by Vimlesh Chowdhury. And this presentation is brought to you by CIET, NCERT, New Delhi, India.